गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नया वीक, जो लोग जूम पर नहीं ज्वाइन कर पाए और कोई प्रॉब्लम रहा हो पिछला सीट में एमसीक्यू में, तो अभी बता दीजिए, अभी भी डिस्कस कर सकते हैं और हम अपना बात भी बोल देंगे। नहीं, चूंकि आप लोग कुछ लोग ज्वाइन कर पाए तो उन लोगों के लिए। अच्छा, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, आप लोग का जो स्कोर चेंज किए हैं उसका रीज़न ये क्वेश्चन था, 4 नंबर। इसमें मेरे तरफ से गलती हुआ था कि इसका आंसर ये हम लगा दिए थे 1 एंड 2, इसमें 2 रॉन्ग है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनके मेजोरिटी से लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन को हटाया जा सकता है। ये गलत है, ये टोटल मेंबरशिप होगा, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, नॉट दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, नॉट मेजोरिटी ऑफ टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये गलत था, 1 सही होगा। इसलिए हाँ, किसी किसी को प्रॉब्लम हुआ तो ये अपना तरफ से हम बता दिए कि ये यहाँ पे गलती था, जैसे 4 मार्क्स का असर पड़ रहा था और इसलिए कुछ रैंकिंग इधर उधर हो गया। तो किसी को कोई डाउट है उस पे तो हम तुरंत आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं डाउट है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो न्यूज है, ये न्यूज फिर से आएगा, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अभी। नासा स्पेसएक्स आ चुका है, पिछला क्लास में भी डिस्कशन किए हैं, इस बार भी कर रहे हैं। ये जो होगा, ये जो थ्री मंथ्स प्लस 1 मंथ, ये मैक्सिमम पीरियड है, यानी 4 मंथ तक डिले कर सकते हैं। नहीं, 3 मंथ फर्स्ट टाइम एंड अगेन 1 मंथ, 4 मंथ। हाँ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, हाँ एब्सोल्यूट मेजोरिटी से होता है नेहा, और आपका मार्क्स बढ़ा भी दिए है उसमें, 74 आपका 70 था, 74 हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन क्यों इतना डाउटफुल क्यों है, देख लेते हैं एक बार हम उस क्वेश्चन को, क्योंकि दो दो लोग बोल दिए, हम देख लेते हैं एक बार। Which of following is period for which legislative council retain audit? ठीक है, 4 मंथ्स ही होगा। ठीक, उसका कैपेसिटी उतना ही है, उसके बाद वो जबरदस्ती पास हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसका कैपेसिटी 4 मंथ्स का है, उसके आगे नहीं है कैपेसिटी, उसके बाद वो जबरदस्ती भी पास हो जाएगा। जैसे अगर राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा जो है, देखा जाए तो डेडलॉक से बचते हुए 6 मंथ तक उसको डिले कर सकते किसी बिल को। अच्छा, आगे बात करते हैं। इसमें एक जो ये है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो में ये जो भेजा गया, इसमें जो न्यूज एक नया आ रहा है, स्टारमैन सूट, ये एक न्यूज का इसमें बात है, आपको दिख रहा है। तो इसके पहले जो सूट पहनते थे उससे ये डिफरेंट है, क्योंकि इसका डिजाइन स्लिक है। ठीक, इसका हेलमेट जो ये लोग पहन रहे हैं, दैट इज 3D प्रिंटेड। अब 3D प्रिंटेड है मतलब कि जो लोग मेरे मुंह से नहीं सुने हैं, अपना नॉलेज किसी को है, जो लोग मेरे मुंह से सुने हैं वो लोग रुक जाइएगा, अगर किसी को अपना नॉलेज है कि 3D प्रिंटिंग के बारे में तो हमको बताइए, पुराने स्टूडेंट्स रुक जाइएगा। 3D प्रिंटिंग,
कोई बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। चलिए जिन लोगों को पता है, जिनको रोक के रखे थे, वही लोग ट्राई कर लीजिए। हाँ, ये 3D प्रिंटिंग में क्या है ना कि एक कंफ्यूजिंग है। अच्छा, अब हम बोल दे रहे हैं कि ये जो बीच में बड़ा न्यूज में था, इंटरनेट में अगर किसी सामान का किसी सामान का अगर आपको ड्राइंग मिल जाए, मतलब एग्जीक्यूटेबल टाइप का, कि उसका काम हो सके, तो 3D प्रिंटर जो होगा उस सामान को ही बना करके निकाल देगा। 2-3 साल पहले ब्रिटेन में एक पर्सन 3D प्रिंटर से एक गन बना के दिखा दिया था। तो गन बना ही नहीं था, वो गन फायर भी किया था। तो फ्यूचर ऐसा है कि सोचिए, मेरा ये जो डोंगल है उसका एक कैप है, तो ये कैप है, ये कैप मेरा गायब हो गया। तो अगर ये कैप का डिज़ाइन हमको अगर इंटरनेट में मिल जाए या मेरा कंपनी दी हो, तो मेरा प्रिंटर एक कैप बना देगा। तो ये कैप बना देगा, तो इस तरह का फ्यूचर जो है ये है, 3D प्रिंटिंग रियलिटी है। तो ये 3D प्रिंटिंग से इन लोगों का हेलमेट प्रिंट किए है, ये जो क्रीव है स्पेस में जो जाएंगे। एक ओरियन सूट सूट भी है। ये ओरियन सूट जो होगा, जब ये मून मिशन नासा करेगा, हाँ आया होगा, तो ओरियन मिशन जब नासा मून मिशन शुरू करेगा, तो ओरियन सूट भी एक बनेगा जो कि ब्राइट ऑरेंज कलर का है। अगर बाय चांस ये जो लॉन्च व्हीकल है वो फेल कर गया और जो स्पेस क्राफ्ट है उसको इमरजेंसी एग्जिट करना पड़ा, तो ये फिर समुद्र में गिरेंगे और वहाँ पर इनका जो सूट रहेगा वो इतना ब्राइट होगा कि ये आराम से दिख जाएगा कि ये लोग हैं। तो पढ़िएगा, बाकी हम बहुत ज़्यादा नहीं घुस रहे उसमें। चाइना भी मार्स पे उतरने का तैयारी कर रहा है, और ये जो मिशन है इसका नाम है तियानवेन। तियानवेन का मतलब होता है क्वेश्चंस, स्वर्ग के प्रश्न, क्वेश्चंस ऑफ हेवन। तो अगर ये सही में वो मार्स पे लैंड कर गया, तो ये USSR और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद ये पहला कंट्री बन जाएगा। वहाँ पर ये लोग ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार भी ले जा रहे हैं, जिससे कि अंदर में रॉक क्या है, आइस, डोट, ये सब भी पता कर पाएंगे। नासा भी एक मार्स मिशन शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है परसिवरेंस। सबसे पहले USSR मार्स पे लैंड किया था। सेकंड भी USSR का ही है। उसके बाद USA को लीड मिला और वो सबसे ज्यादा बार लैंड करवा चुका है मार्स पे। अभी लेटेस्ट जो उसका नाम है इनसाइट। हम लैंड नहीं करवा पाए, हम केवल मार ऑर्बिट करवा पाए। कभी हमारे जो साइंटिस्ट है ये उम्मीद कर रहे हैं कि कभी किसी टाइम में मार्स जो होगा वो हैबिटेबल होगा, कभी रहा भी होगा, पानी ढूंढते हैं वहाँ पे कि कहीं वहाँ पे लिक्विड वाटर हो अभी भी या पहले कभी रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं। सब जो पॉल्यूशन जो एविएशन इंडस्ट्री से होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पर किलोमीटर हमारा ट्रेवलिंग का जो एयरक्राफ्ट में जो पॉल्यूशन होता है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, वो बहुत ज़्यादा है
कंपेयर टू रेलवे और रोड और ये सब। तो अभी एक इलेक्ट्रिक इंजन वाला एयरक्राफ्ट कंपनी का नाम है मैग्निक्स, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है ये सेसना 208 कारवा एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट में ये फुल्ली इलेक्ट्रिकल इंजन जो होगा उससे ये फ्लाई करवाना था, हो गया होगा, हम लोग देख लेते हैं। तो अगला बार का न्यूज में आ जाएगा। तो 20 to 30 मिनट्स का ये फ्लाइट होने वाला है। यानी अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिकल बाइक के बारे में और कार के बारे में बात किए, बस के बारे में बात किए, लेकिन अब ये एयरक्राफ्ट का भी टेक्नोलॉजी आ रहा है। ये एयरक्राफ्ट जो होगा इसमें अगर ऐसा बन गया तो ये सस्ता होगा। प्रॉब्लम इसका एक जो दिख रहा है वो है बैटरी, वो बहुत हैवी होगा तो एक वजन एक्स्ट्रा इसको लेना पड़ेगा। तो उबेर भी बोली है कि 2023 तक एयर टैक्सी जो होगा हम फ्लाई करेंगे। बैटरी का वेट एक चैलेंज है। ग्रेटा थनबर्ग आपको याद होगा, वो फ्लाइंग के अगेंस्ट में वो कैंपेन चलाती है, उसको बोलते हैं फ्लाइंग सैम, फ्लाइट सेमिंग, ठीक। और कुछ लोग जो होगा वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात किया है, वो फ्लाइट में जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि इससे पॉल्यूशन बढ़ता है। आगे बढ़े हम लोग, ये जो जो न्यूज़ पढ़ के समझ में आ जाएगा उसमें हमको ध्यान देकर कोई फायदा है नहीं, आगे बढ़ते हैं। ट्रू कॉलर बड़ा खतरनाक चीज है, काम का चीज है बट बहुत खतरनाक भी है। खतरनाक इस सेंस में है कि ये आपका फोन का लगभग लगभग हर फीचर चाहता है कि उसके थ्रू आप करें। आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लेंगे तो बोलेगा कि हम ही को मैसेज वाला भी ऐप बना दो, डिफॉल्ट ऐप फॉर SMS, फिर उसके बाद आप उसमें वो पेमेंट वाला भी फैसिलिटी है। फिर वो कई बार आप मतलब डिफॉल्ट सेटिंग तो ऐसा ही है कि आप जब बात कर रहे होंगे तो किसी दूसरा को वो दिखाएगा कि पर्सन बिजी है, ठीक। अब थिंकिंग तो ये है कि इससे ये फायदा होगा कि कोई बिजी कॉल के बीच में नहीं मारेगा कॉल, ताकि ये ना हो, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, वो देख रहे हो फ्री है कि नहीं है, ठीक। लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी है, किसी का फोन घंटा घंटा भर बिजी रह जाए तो झगड़ा होने का भी चांस है, क्योंकि खाली देख रहे हैं रेड बना हुआ है, बिजी है बिजी है बिजी, और कोई घंटा भर वही देख रहा है कि ये तो इतना देर से बिजी है, ठीक। तो खैर ये जो प्राइवेसी का बड़ा चक्कर है यहाँ पे, अब तो हद हो गया कि डार्क वेब में 70,000 रुपये में इंडियन लोगों का पूरा डेटा ही बिक रहा है, पूरा ट्रू कलर के पास जो भी डेटा है सब बिक रहा है, ठीक। तो यानी किसको कॉल किए क्या, तो अब उतना अगर कोई अपना बिजी वाला ऑफ करके भी रखा हुआ हो तो बस 70,000 होना चाहिए, तो सारा का सारा कॉल डिटेल सबका सबका वहां से मिल जाएगा। तो ये ट्रू कॉलर का डार्क वेब में डेटा बिका, तो ये बड़ा प्राइवेसी का बड़ा कंसर्न है। कंपनियां हमसे डेटा ले लेती है, सुविधा तो हम लोगों को भी है, कई लोगों का फोन हम लोग नहीं उठाते हैं कि सीधा सीधा उसमें आ जाता है स्पैम, दैट इज करेक्ट, अच्छा बात है, स्पैम आ जाता है। किसी किसी का कुछ और भी अलर्ट आ जाता है, स्कैम फ्रॉड इस तरह का। लेकिन एक दूसरा है कि कंपनियां फ्री में जो सर्विस दे रही है उसका एक कीमत हम लोगों को चुकाना पड़ सकता है, हमारा डेटा चोरी हो सकता है। एक बार मेरे पास एक फोन आया था कि बैंक मैनेजर बोल रहा अपना KYC KYC करवा लीजिए, डेबिट कार्ड फिर से इशू होगा, आप लोगों को पता ही है स्कैम सब चलते रहते हैं। मज़ेदार बात यह है कि ट्रू कॉलर उसको दिखा रहा था बैंक मैनेजर KYC अपडेट, यानी कि वहाँ जाके वो अपने आप को अपडेट कर लिया था। तो बहुत जो चालाक लोग हैं ट्रू कॉलर से बच भी जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हाँ निश्चित ही करता होगा, निश्चित ही करता होगा कि ये बड़ा मुद्दा है। मतलब कि इसका कमर्शियल यूज लोग कर सकते हैं, कमर्शियल यूज। आप बस एक एग्जांपल लेते हैं, आप लगातार रेस्टोरेंट में हर दिन फोन कर रहे हैं, लगातार हमेशा, तो जोमैटो वाला आपको ही एड दिखाएगा, जहां कहीं भी आप जाएंगे आप ही को दिखाएगा। तो एक बिजनेस पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपकी डेटा बिक गया तो एक आदमी एकदम ओपन हो जाता है कि इसका क्या इंटरेस्ट है। ठीक, एक बल्कि हम और एंगल अगर दूसरा ले तो आपको मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। पार्टिकुलरली सोचिए किसी का कोई गे है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है उसका अलग टाइप का है, और वो किसी को नहीं बताना चाह रहा है, नहीं बताना चाह रहा है। हम मतलब अभी दूसरा इंपॉर्टेंस का बात कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में बात करता है तो ये उसका प्रोफाइलिंग हो जाएगा कि ये गे है, और उसको अब कौन कांटेक्ट करेगा ये भी एक बात हो सकता है। ठीक, तो हाँ अब वो बोलते हैं ना कि डेटा इज न्यू ऑयल, तो ये वैल्यू है। आजकल डेटा के पीछे सब भाग रहा है कि डेटा डेटा दे दो। अब सोचिए, हालांकि हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बट आप सोचिए कि हमको वैसे स्टूडेंट का डेटा मिल जाए जो जमशेदपुर में रहते हैं, और सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट का वालों को वो फोन करते रहते हैं। 70,000 इसका अगर कीमत है, और हमको लगे कि चलो अगर 10 एडमिशन भी हो गया तो मेरा तो पैसा वापस हो जाएगा, कम से कम 1,000 लोगों का डेटाबेस है, सबको फोन करवाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसका फायदा होगा। खैर, जो हम फायदा बताए उसे दूसरा का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये गे वाला छोड़ करके। लेकिन लेकिन आप सोचिए कि कोई करोड़पति पर्सन हो, करोड़पति की बात कर रहे हैं, अरबपति, उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। अपना हस्बैंड, अपना वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उसके लिए ये इतना पैसा खर्च करना कोई मुश्किल नहीं है। 4-5 लोग ग्रुप बना करके भी ये पैसा खर्च कर सकते हैं, और उसके बाद जो होगा। तो ये होना नहीं चाहिए लीकेज, ये होना नहीं चाहिए, बट हम लोग बहुत एक्सपोज्ड है, बहुत बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था अभिषेक कि मीडिया परमिशन, ये भी एक मुद्दा तो है, बड़ा मुद्दा है मीडिया परमिशन। मीडिया परमिशन दे के रखेंगे तो लीक हो ही सकता है, अगर वो खुद नहीं भी लीक करे तो उसका ऐप को हैक करके हो सकता है। मतलब इस बारे में हम बहुत चाहते हैं कि लोग जो है इसमें कॉशस रहे, बहुत बहुत कॉशस रहे मीडिया परमिशन देने से पहले। और अगर मीडिया परमिशन देना ही है तो अपना फोन में से जो कुछ ऐसे फोटो है जिसको लगता है कि ये फोटो ठीक नहीं है तो उसको हटाते रहा जाए तो ठीक रहेगा। उसके लिए कुछ और मतलब अलग से ऑफलाइन फोल्डर बनाया जाए। हाँ, एफबी तो बदनाम है, गूगल अभी उस तरह से बदनाम नहीं हुई है, एफबी तो बदनाम है ये सेल करने के लिए। गूगल गूगल यूज करती है अपना, लेकिन थर्ड पार्टी को, अभी मेरे पास न्यूज नहीं है, लेकिन एफबी थर्ड पार्टी को भी सेल करती है। गूगल तो अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए आपको टारगेट करती है, आप जहाँ क्लिक किए और वो एडवर्टीजमेंट अगर आने लगा। फेसबुक, फेसबुक तो दूसरे को भी बेच देता है, खुद भी टारगेट करता है और बेच देता है। खतरनाक है कुल मिला करके। हम लोग मतलब बहुत बहुत एक्सपोज, टेक्नोलॉजी का काफ़ी फायदा है बट एक्सपोज तो है ही है। चलिए आगे चलते हैं। तो इंडियन लोगों का कितना लोगों का डेटा हो गया, 600 मिलियन, 6 करोड़ लोगों का डेटा जो है ये डेटा सेल पर है, 6 करोड़, अगर मेरा कैलकुलेशन ठीक जा रहा है तो। या 60 करोड़ हो जाएगा। ठीक, हाँ 60 करोड़ हो जाएगा।
हाँ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दो दो है यहाँ पे तो सॉरी वो हम बता दे रहे हैं, ये इंडियन लोगों का 4.75 करोड़, और टोटल जो वो जो पर्सन सेल कर रहा है ना उसका नाम भी दिया हुआ होगा, इसमें नाम है उस पर्सन का। ये जो जो भी पर्सन है अभी कहीं कहीं होगा, ये जो पर्सन है उस वो 60 करोड़ डेटा 60 करोड़ डेटा सेल करने के लिए रखा हुआ है, इंडियन लोगों का 4.75 करोड़ है। आगे चलते हैं, आगे ये सिकाडास, इस सिकाडास न्यूज में है, इसमें हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं न्यूज में। सिकाटा जो है ये अमेरिका में, न्यूजीलैंड में और नहीं, ये इसका नाम है टू गॉड, वो आप वहां पढ़ ली गलत है, वो टू गॉड इसका नाम है, जिस पर्सन का आइडेंटिटी का उसका नाम है टू गॉड, वो छुपा के रखा हुआ है। ठीक, सिकाडाज को जानते हैं। सिकाडाज जो है ये सिकाडाज एक क्रिएचर है छोटे छोटे, न्यूजीलैंड अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं, बड़ा यूनिक इनका प्रॉपर्टी है। थोड़ा समझा देते हैं बात को कि ये जो है ये ट्रीज है, जंगल है, ये जंगल में इनका अभी यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि यहाँ पे अंडा है इनका, एग्स, एग्स जो होगा वो हैचिंग करेगा, हैचिंग करने के बाद ये जो निकलेंगे जो बच्चे, वो बच्चे जमीन में गिरेंगे और जमीन में गिरते ही गड्ढा बनाएंगे और गड्ढा बना करके घुस जाएंगे अंदर। ठीक, इसके बाद इंटरेस्टिंग है ये, इसके बाद अंदर में ही जो प्लांट्स हैं उसके रूट्स को खाएंगे, अंदर में ही वो जिंदा रहेंगे। अब इनका दो ग्रुप है, दो टाइप के हैं, 17 और 16 का बात कर रहे हैं, 17 साल तक वैसे ही अंदर में ही खाना पीना करते रहेंगे, और आफ्टर 17 ईयर्स ये निकलेंगे बाहर, बाहर निकलेंगे ओनली एंड ओनली फॉर मेटिंग, बस बाहर निकलेंगे मेटिंग के लिए। इनके ऊपर में एक जो एक्सकेल्टन होता है उसको सेट करेंगे, सेट करने के बाद इनका एक पंख निकल आएगा, और उस लेकिन वो अब ये पेड़ों पे जाके ये चढ़ जाएंगे। ये सब मजेदार बात ये है, ये एक तरीका है, इनको आराम से कोई डिफेंस नहीं है, इनको आराम से चिड़िया खा सकती है, मेंढक खा सकता है, बड़ा आराम से, मतलब कोई डिफेंसलेस है ये। लेकिन ये एक या दो दिन में ये जमीन से जब निकलते हैं तो कुछ करोड़ निकलते हैं, कुछ करोड़। ठीक, सोचिए क्या सिंक्रोनाइजेशन है, 17 ईयर्स के बाद ये अंदर से निकलेंगे, कुछ करोड़ निकलेंगे, पूरा चिड़िया और मेढक और इन लोगों का पार्टी चलेगा। लेकिन ये जो पार्टी चलेगा, ये पार्टी इनका 2-4 घंटा में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इतने ज़्यादा ये हो जाएंगे कि ये देखेंगे लालच से लेकिन खा नहीं पाएंगे। तो इसमें से बहुत सारे बच जाएंगे, जो बच जाएंगे उनका मेटिंग होगा, मेटिंग होने के बाद वो एक्स देंगे इस पे पेड़ पे। अच्छा, मेटिंग के टाइम में, मेटिंग के लिए जो मेल होगा वो मेल आवाज़ निकालेगा फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, और 1 करोड़ों जब आवाज़ निकालेंगे तो आसपास में पूरा का पूरा बहुत कैकोफोनी, बहुत मतलब रहना मुश्किल हो जाएगा, इतना आवाज़ निकालेंगे। मेटिंग होगा, अंडा देंगे, एग देंगे, इसके बाद ये इनका कुछ दिन बाद डेथ हो जाएगा, और इसके बाद जो बच्चे फिर होंगे वो फिर जमीन पे गिरेंगे, फिर गड्ढा में फिर अंदर चल जाएंगे। 2003 में एक बार बाहर निकले थे, ये 17 ईयर्स वाले हैं, 17 ईयर्स वाले अब 2020 में फिर निकलने वाले हैं, तो अमेरिका में ये नज़ारा लोगों को देखने मिलेगा। वहाँ तो वहाँ के लोगों को ये साइंटिस्ट बता दिए हैं कि अब रेडी रहिए, निकल लोग निकलने वाला है। तो ये है हमारे नॉइसी इंसेक्ट्स, तो ये
थर्टीन ईयर वाले भी होते हैं और 17 ईयर वाले भी होते हैं। बोले तो नहीं, वापस नहीं, बाहर निकल करके मीटिंग करके इनका डेथ हो जाएगा फिर, अब ये बच्चे फिर उनके जाएंगे नीचे। अच्छा, तो ये ईस्ट कोस्ट में ये यूएस के निकलने वाले हैं। इसका नाम, इसको बोला गया ब्रूड नाइन, 17 ईयर्स अंडरग्राउंड। पर एकड़ 1.5 मिलियन, 2003 के बाद होने वाला है। इमर्ज फ्रॉम सॉयल मेनली टू मेट, लीव्स अंडरग्राउंड। और एक बार बाहर निकलेंगे तो 2 से 4 वीक के अंदर में डेथ भी इनका हो जाएगा, उनका शॉर्ट लाइफ है। तो 17 ईयर्स वाले भी होते हैं और 13 ईयर्स वाले भी होते हैं, अपना अपना इनका जेनेटिक मेकअप हुआ है। अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। देयर रिलेंटलेस स्ट्रीम रेंडर्स द प्रीडेटर्स फुल एंड ओवरवेल्म। सर्वाइवर्स गेट अ चांस टू अचीव देयर पर्पस ऑफ मेटिंग। टाइटली सिंक्रोनाइट बताए दिए, अगर एक साथ नहीं निकलते तो इनका बचने का चांस बहुत कम रहता, लेकिन एक साथ निकलना इनको बचा देता। सिंग टू अट्रैक्ट फीमेल्स। और ये जो कलेक्टिव कोरस है, ये 100 डेसिबल तक का साउंड प्रोड्यूस कर देता है, मतलब आसपास अगर लोग हों तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। वन फीमेल 400 एक्स। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। केरल में एक नया टाइप का एक ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सोटिक ऑर्गेनिज्म, ये है चारू मुसल्स। ये काफी तेजी से फैलता जा रहा है, जिस कारण से जो लोग मोलस्कस का फिशरी करते हैं, मतलब मोलस्कस को हार्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी तेजी से, इसका नाम है चारू मुसल्स। तो ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया ये चांस, ये है। अच्छा खैर, ये एक अष्टमुडी लेक है, वहां पर भी ये है। हाँ, इनवेसिव स्पीसीज है। ये आ कहाँ से गया, ये प्रोबेबली ये कहीं अमेरिका से आ गया है, कोई जहाज, जहाज जो होता है ना, ये शिप में के बैलेंस को रखने के लिए, उसके अंदर में जहाँ से सिप जाता है वहाँ पर जो सी का पानी है वो डाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं बलास्ट बोलते हैं। तो बलास्ट, अब यहाँ से सोचिए, बलास्ट लेकर के यहाँ से एक सिप गया बाई, ऐसा सोचिए आप, केरल से। तो ये सिप जो होगा वो जब अमेरिका पहुँचेगा तो बलास्ट को खाली करता है, वहाँ पानी को निकाल देता है। तो हो सकता है अमेरिका में जो बलास्ट ये डाला गया होगा वाटर सिप में, वो केरल में आकर के खाली हुआ होगा। तो ये हो सकता है कि ये ब्लास्ट वाटर डिस्चार्ज से ये आ गया, इन्वेसिव स्पीसीज। अच्छा, बाकी पढ़िएगा आप लोग। ये कुछ न्यूज हम छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं आप लोगों के पढ़ने के लिए।
इसमें दो इकोनॉमिस्ट का डेथ हुआ है, ये लोग बताए हैं किस बारे, थोड़ा सा बोल दे रहे ताकि पढ़ने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। ये लोग बताए हैं, एक बताया है कि किसी फॉर्म का ऑप्टिमम साइज कितना होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर एक कंपनी है तो कंपनी कितनी बड़ी होनी चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। और दूसरा वाला जो पर्सन है वो इस बारे में रिसर्च किया है कि नेशन का साइज कितना होना चाहिए, नेशन का, किसी कंट्री का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा होगा तो सही है, स्केल का बेनिफिट होता है, कॉस्ट गिरते हैं किसी भी काम के, लेकिन लेकिन हेटरोजेनिटी होता है, यानी लोग जिस तरह से रह रहे होते हैं उनके हिसाब से उनको सर्विस देना मुश्किल होता है। तो उसके बारे में रिसर्च किया है, दो लोग ऐसे हैं जो रिसर्च किए थे, उनका भी डेथ हुआ है, तो न्यूज आया हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार, समझ जाएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग कोविड में आ गए। कोविड, कोविड में पहला न्यूज ये है कि जो लोग बूढ़े होते हैं वो लोग, ये साइकोलॉजिकल टॉपिक भी है, जो लोग बूढ़े होते हैं वो लोग कोविड को लेकर के उतने कंसर्न्ड नहीं होते, एक बड़ा समस्या आई है। और वो बूढ़े कौन, बूढ़े मेल, सबसे जिसको ज़्यादा खतरा है, एक तो मेल ऊपर से बूढ़ा, ठीक, फीमेल को ऐसे भी कम खतरा होता है, ठीक। तो ये मेल जो ओल्ड मेल है उनको इसका कंसर्न कम होता है कंपेयर टू ऑल अदर ग्रुप्स, कहीं यही तो ज़्यादा डेथ का कारण नहीं है। तो खैर, तो ओल्डर मेन वरी लेस, ठीक, दैन वेमेन ऑफ देयर एज, दैन यंगर मेन एंड वेमेन, ठीक। तो सबसे ज़्यादा जो है, यानी कि एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया कि आप ओल्डर पर्सन को बोलते हैं बचा के रखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, और इस ग्रुप को कंसर्न ही कम है। तो ये कंसर्न जो है, ये कंसर्न एक्चुअली इनका लगभग हर चीज़ में ही कम है। तो खैर, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, लेस लाइकली टू हैव वोर्न अ मास्क, ठीक, अपना फेस भी टच कर देते हैं और वो खरीदने उतने के सामान बाहर भी चल जाते हैं। तो ये जो है, और इनको और भी मसलों में इनको वरी कम होते हैं और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये सब कम होते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू है जिसको डील करना पड़ेगा। ये जो राइटर जो इस पे रिसर्च किया है, जो रिसर्चर वो बोल रहा है कि उनको डराने से काम नहीं होगा, उनको समझाना पड़ेगा कि बात को, लेकिन बात यह है जब समझ ही नहीं रहे हैं। अच्छा खैर, पढ़िएगा इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कोविड पे रिसर्च ही रिसर्च चल रहे हैं, किसको ज़्यादा होता है किसको कम होता है। तो अल्जाइमर डायमेंसिया जो होता है, ये डेमेंसिया, डेमेंसिया मतलब भूलने का बीमारी है, अल्जाइमर भी उसी ग्रुप में है। तो अल्जाइमर रूप का जो डिजीज है, जिन लोगों में ज़्यादा होने के चांस रहता है ड्यू टू जीनेटिक मेकअप, उन लोगों में कोविड होने का भी चांस ज़्यादा रहता है। अब फ्यूचर में बहुत बातें निकल करके आएंगी। तो एक जीन है, उसका नाम है फॉल्टी जीन, उसका नाम है, जीन का नाम तो है हमारा APOE, ये जीन है, उसका एक वर्सन है E4E4। कहने का मतलब है कि समझाने के लिए अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप के लिए जीन होता है, ब्लड ग्रुप के लिए जीन, लेकिन इस जीन के कई वैरायटी होते हैं। तो ये जीन का वैरायटी एक हो सकता है जो आपको ए ब्लड ग्रुप दे, कोई दूसरा वैरायटी हो सकता है जो आपको बी ब्लड ग्रुप दे, कोई तीसरा वैरायटी हो सकता है जो आपको ओ ब्लड ग्रुप दे। तो वैरायटी कई सारे हो सकते हैं। तो ये जीन है, इस जीन का एक वैरायटी है E4E4, ये जीन में रहता है, ये वाला म्यूटेशन, ये इन लोगों को अल्जाइमर का भी चांस ज़्यादा होता है और इन लोगों को कोविड का भी चांस ज़्यादा होता है अगर टू फॉल्टी कॉपीज हो। तो फॉल्टी कॉपी का मतलब हो गया कि हेल्दी जो जीन होंगी, जो हेल्दी जीन होंगे, तो यहाँ पे मदर का मेकअप है, यहाँ पे फादर का मेकअप है। तो चलिए, यहाँ पे एक जीन है मदर वाला जो फॉल्टी है, फादर वाला जीन जो है वो सही, तो फिर क्या होगा, एक कॉपी जो होगा वो फॉल्टी मिलेगा।
तो एक कॉपी फॉल्टी मिलने से डिजीज के चांसेस ज़्यादा नहीं है दोनों साइड से। अब ये मान लीजिए कि ये लड़का हुआ और कुछ इसी तरह का फैमिली से, थोड़ा सा हम ये टाइप का दिखा दे रहे हैं इन ब्रीडिंग टाइप का, इसी का फैमिली से किसी से मैरिज हो जाता है इधर से, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन वाला, तो फिर दोनों कॉपी मिल सकता है। तो दोनों कॉपी अगर मिल जाएगा E4 E4, तो ये जो हो जाएगा ये इसमें चांसेस ज़्यादा रहता है, टू फॉल्टीज कॉपी कर रहे हैं। तो अगर जो ज़्यादा कॉमन है E3 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 E3, अगर E3 E3 हो तो उससे जो E4 E4 वाले हैं वो डबल रिस्क में रहते हैं। ठीक, तो एक नया स्टडी है कि अल्जाइमर वाला जीन, जिसे अल्जाइमर होने का चांस रहता है E4 E4, वो लोगों को कोविड से डबल प्रोन बनाता है। एक नया स्टडी हो गया ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। असम यूनिवर्सिटी एक इम्यून बूस्ट करने के लिए एक पाउडर बनाया हुआ है सुपर मशरूम से। सुपर मशरूम का नाम है कॉर्डिसेप्स मिलिटारीज। तो ये मशरूम जो है ये पारासाइटिक मशरूम है, यानी कि ये मशरूम को ही इन्फेक्ट करता है। ठीक, मशरूम को खाने वाला मशरूम, पारासाइटिक मशरूम। ठीक, तो ये जो होता है इस मशरूम में एंटी एजिंग, एंटीवायरल, एनर्जी, इम्यूनिटी बूस्टिंग इफेक्ट होते हैं, और इसका पाउडर अभी बेचना शुरू किया गया है। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते ये बात हम बार बार बोलते हैं कि इम्यूनिटी आप अच्छा रखिए, जरूर च्यवनप्राश खाइए, जो खाना है खाइए, लेकिन फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में मत पड़िएगा। इस इम्यून सिस्टम से जो बढ़ेगा, इट इज नॉट ए स्पेसिफिक इम्यून, इट इज जनरल इम्यून सिस्टम, जनरल। और इस तरह के पोलियो और इस तरह का जो बीमारी होता है, इसके लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी चाहिए, स्पेसिफिक, नॉट जनरल। तो अच्छा है इम्यून सिस्टम बढ़ा लेना, लेकिन एक होता है ना कि चक्कर में पड़ गए हैं कि इम्यून पे इम्यून को जहाँ जो मिला, वो कभी लहसुन खा रहे हैं, कभी चनप्रास खा रहे हैं, कभी दालचीनी खा रहे हैं। मशरूम सिस्टम अच्छा रहेगा, तो रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, मशरूम अगर आया हुआ है, इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, लोग कम बीमार पड़ेंगे, लेकिन इस बीमारी में स्पेसिफिक काम करेगा कि नहीं, ये बोलना बड़ा मुश्किल है। जब भी इम्यूनिटी का बात आता है तो हम आपको समझाते हैं इस बात को कि मतलब इम्यूनिटी ठीक है, अच्छा बात है, बट उसको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसी रिसेप्टर पहले ही बता चुके हैं, आप लोगों को पता है एसी रिसेप्टर जो है, यहाँ से ही ये इंट्री पॉइंट है हमारा वायरस का। और TMPRSS2 ये भी एक प्रोटीन है, ये भी एंट्री पॉइंट है, दो खास है। अब बात ये है कि लोग जो होते हैं वो स्मेल क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका इसमें जांच किया है। तो ये बोल रहा है कि ये जो दो रिसेप्टर है हमारे, हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो सस्टेंटिकुलर सेल्स होते हैं, ये सस्टेंटिकुलर सेल जो है इसमें सार्स और कोविड के रिसेप्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, ये राइटर ऐसा, ये रिसर्च ऐसा बोल रहा है। ठीक, और अब ये रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं तो यही इसको वो डैमेज कर सकते हैं इस सेल को, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टर है। तो ये रिसर्च में ऐसा आया हुआ है कि ये जो सस्टेंटिकुलर सेल्स है, ये जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑर्डर जो है उसको ट्रांसफर करते हैं न्यूरॉन्स में। मतलब ये नाक रियलिटी में जो भी हमारे हमको महसूस होता है उसके लिए तो सब ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है ना, ये सीधा का सीधा नाक नहीं रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। यहाँ से वो जो केमिकल होगा, वो केमिकल वहाँ बाइंड करेगा, बाइंड करेगा तो वहाँ से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो कहीं जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन में जा करके वहाँ पर रिकॉग्नाइज होगा कि स्मेल क्या है। तो ये जो सेल है
सस्टेंटेकुलर सेल, ये सेल सूंघने के लिए एक इम्पोर्टेंस है इनका, लेकिन इनमें सार्स का जो रिसेप्टर है यानी एसी रिसेप्टर और TMPRSS2 ये रिसेप्टर्स ज़्यादा है। तो ये रिसेप्टर्स ज़्यादा है तो सार्स का जो वायरस है इसको डैमेज कर पाएगा, और डैमेज कर पाएगा तो ये लोग फिर न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे स्मेल और मतलब केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होगा। तो ये एक रीजन बोल रहा है कि हो सकता है। अब इसमें बोल रहे हैं कि रिसर्च हम लोग को ये करना है कि जब ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो क्या ये यहाँ से न्यूरॉन को भी इन्फेक्टेड कर देंगे, ये एक एक इसका ये बात कर रहा है। तो द सेंस ऑफ स्मेल ऑफ कोविड पेशेंट्स अपीयर टू बी लॉस्ट बिकॉज सस्टेंटेकुलर सेल्स असिस्ट न्यूरॉन इन सेंसिंग ऑर्डर probably processing order binding proteins। तो अब जांच ये करना है कि whether sustentacular cell can pass virus to neurons, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब ब्रेन को इन्फेक्टेड कर दे रहे हैं। ये सब बातें अभी अभी देखा जाना है। तो आप लोगों को ये भी याद होगा कि सेम चीज हम लोग और भी पढ़े थे कि दो तरह के सेल हम लोग पढ़े थे जिसमें कि एसी रिसेप्टर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। याद आप लोगों किसी को है क्या कि वो दो टाइप का सेल पड़े थे जिसमें एसी रिसेप्टर काफ़ी ज़्यादा होते हैं? अच्छा, अगर नहीं याद है तो हम लोग एक दूसरा पहले पढ़ लेते हैं। मज़ेदार बात यह है कि रिसर्च में ये बात सामने आया है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे इन सेल्स पर जो सार्स के रिसेप्टर है वो रिसेप्टर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, ये इम्पोर्टेंट बात है। मतलब कि देखिएगा, ये माइस पे हुआ है रिसर्च, लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स आर मेड इन ओल्डर माइस देन यंगर वंस। तो ये कुछ कुछ क्लू मिल रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे ही सस्टेंटिकुलर सेल जो है वहाँ पे ये प्रोटीन्स एसीवी जो प्रोटीन है वो रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं एज बढ़ने के साथ और सार्स को इन्फेक्ट करने में आसानी होता है, हो ही सकता है। तो हम लोग जो पढ़े थे वो था गॉबलेट सेल्स एंड सिलिएटेड सेल। तो आप लोग किसी को याद है क्या कि गॉबलेट सेल क्या करते हैं और सिलिएटेड सेल क्या करते हैं? गॉबलेट सेल्स एंड सिलिएटेड सेल्स, यस इट इज़ करेक्ट। ये जो है ये म्यूकस फॉर्मेशन का काम करते हैं, ये गॉबलेट सेल करते हैं, गॉबलेट सेल। और सिलिएटेड सेल क्या करते हैं? हाँ, गॉबलेट सेल मेक म्यूकस, दैट इज करेक्ट। सिलिएटेड हाँ, ये स्वीपिंग का काम करते हैं। यस, ये जो स्वीपिंग का काम करते हैं वो जो भी ऐसे म्यूकस हो या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो उनको वो स्वीप करते हैं, क्योंकि वो सीलिएटेड होते हैं, उन छोटे छोटे प्रोजेक्शंस इस तरह से निकले हुए होते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि इन सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा एसी रिसेप्टर्स होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ लिया सस्टेंटेकुलर सेल जो होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। नहीं, ये क्या कंपेयर कर रही है ममता,
ये सेल का बात कर रहे हैं हम, ये इतने आप गलत बोल रहे हैं, ये हम सेल का बात कर रहे हैं, हेयर से मत कंपेयर कीजिए इसको, ठीक। ये जो है ये सेल है, अंदर अंदर का बात कर रहे हैं। हाँ ये, हाँ आगे बात करें हम लोग, तो हम लोग पढ़े कि सिलिएटेड सेल और गोबलेट सेल में ज़्यादा एसी रिसेप्टर होते हैं, तो बात ये है कि अभी पता चल रहा है सस्टेंटिकुलर सेल में ज़्यादा होते हैं, तो किस में ज़्यादा होते हैं उस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। तो अब दोनों का कंपेयर करना ये मुश्किल है, लेकिन नूज में, ये सस्टेंटिकुलर सेल में ही सब, नूज में जितने तरह के सेल होते हैं वहाँ पर सस्टेंटिकुलर सेल में ही ज़्यादा होते हैं, और बाकी ये गॉबलेट सेल्स और ये जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का गॉबलेट सेल और सिलिटेड सेल में भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन दोनों का कंपेरिजन अभी तक नहीं आया है, आएगा तो फिर हम लोग को पता चलेगा। सॉलिडरिटी ट्रायल में जो ट्रायल चल रहा था वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का चल रहा था। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और प्लस माइक्रोलिड का भी चल रहा था। माइक्रोलिड व्हाट? एजिथ्रोमाइसिन। आपको याद होगा कि ट्रम्प वंडर ड्रग का बात किए कि अरे मिल गया, थैंक यू, ये सब भी हुआ था। अभी तो ट्रम्प बंकर में छुपे हुए हैं फिलहाल। अमेरिका का हाल बहुत 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 बुरा है, तो उनको बंकर में ले गया आज उठा करके सिक्योरिटी पर्पस से। ये आदमी जो है ट्रम्प, ये पागल है करीब करीब, मतलब बहुत सारे लोग जो है ये इस तरह के राज कर रहे हैं दुनिया पर, लेकिन जुबान, ये बदजुबान भी है, बदजुबान है। जो फिलीपींस का ये जो प्रेसिडेंट है वो जिस तरह का बदजुबान है उसी तरह का ये भी है, तो ये हाँ गेम चेंजर, वंडर ड्रग। तो ये क्या बोला कि व्हेन देयर विल बी लूटिंग देयर विल बी शूटिंग, मतलब कि लोगों को धमका रहा है कि गोली मार देंगे। ये मतलब अनबिकमिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो किसी स्टेट का जो चीफ, पुलिस चीफ है, वो बोला है कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं बोल सकते हैं इस माहौल को ख़त्म करने के लिए, तो अपना मुंह बंद ही रखिए, किसी स्टेट का पुलिस चीफ बोला है। तो वो माने बहुत अजीब टाइप का पर्सन एक हम लोग को दिख रहा। खैर, तो उनका ये जो था एजिथ्रोमाइसिन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये इसको एक तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को अलग और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन को मिला करके ट्रायल एक पार्ट इसका था, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का एक पार्ट था। दूसरा क्या था? एक रेमडेसिविर का था, रेमडेसिविर याद ही होगा। तीसरा क्या था याद है? फोर्थ थे इसमें, एक था हमारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, दूसरा था रेमडेसिविर, तीसरा क्या था? हाँ लोपानिविर, लोपानिविर और साथ में एक और भी था इसका। हाँ लोपानिविर और एक जो था इंटरफेरन बीटा वाला भी एक था। तो ये फोर आर्म्स थे, अभी देख भी जाएगा। हाँ रोटानोवीर, लोपानोवीर, रोटानोवीर और इसमें एक इंटरफेरन बीटा था। खैर हुआ ये कि एक लैंसेट में एक स्टडी छपा, समझ लीजिएगा लैंसेट में। ये बकवास जो है ना, जो लोग अपना मर्जी से, ये जो बात ये है, कई बार हम बोलते बोलते हार्स भी हो जाते हैं, कि ये जो लोग है ना, जो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन का काम करे वो अच्छा है, और पॉलिटिशियन हमारे हिस्टोरियन बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे पॉलिटिशियंस कभी कभी साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, राडार वगैरह भी वो बादल से वो देख नहीं पाएगा वो भी बन जाते हैं। तो सबका अपना अपना फील्ड है, उसको अपना अपना काम करने देना चाहिए। तो जब हमारे पॉलिटिशियन हिस्टोरियन बन जाते हैं तो नफरत फैलाते हैं, और इसमें तो कई लोगों को जान भी मार देंगे ये।
तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो इतना फैला है कि मतलब इंडिया से तो झगड़ा करने पर उतारू हो गया, कैसे नहीं देगा। मतलब ऐसा चीज जिसका कि अभी कोई इफिकेसी नहीं है, इफिकेसी नहीं है, और वो उसके लिए वो लड़ने लगे। खैर, लैंसेट में एक स्टडी आया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि लोग और जल्दी डेथ कर रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर जो रह रहे हैं, और साथ ही साथ उनको हार्ट का जो बीटिंग है वो इरेगुलर हो जा रहा है। ठीक, हार्ट इर्थीमिया। तो ये जो है ये आया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या फिर दोनों विथ और विदाउट मैक्रोलिड, मतलब एजिथ्रोमाइसिन, तो नो एविडेंस ऑफ बेनिफिट इन, इट इज लिंक्ड टू इंक्रीज रेट ऑफ मोर्टेलिटी। अब इतना सारा लोग खा गया, आप पता चल रहा है कि ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो WHO बोला है कि इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को सोलिडिटी ट्रायल से बाहर किया जाए। ठीक, लेकिन अभी तक इंडिया वाले अपना कुछ कुछ चला ही रहे हैं, वो अगला बार पढ़ेंगे, अभी नया नया न्यूज है ये। तो अभी तक इंडिया में थेरापेटिक यूज के लिए और प्रोफाइलेटिक यूज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जा रहा है। आप महाराष्ट्र में याद कीजिए कि वो झुग्गी झोपड़ी में देना शुरू किए थे। तो खैर, तो सॉलिडेरिटी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। फोर ड्रग का रेजिमेंट था, रेमडेसिविर लिख दिया वहाँ पर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लिख दिया, रोटोनावीर एंड लोपानेवीर, और साथ ही साथ एक और भी है हमारा, लोपिनावीर, रोटिनावीर और इंटरफेरॉन बीटा 1A। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाला गया, अब बाकी तीन बच गए हैं रेस में। तो रेमडेसिविर याद होगा, इबोला में आया था, इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है ये। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब लगभग सभी वायरस पे काम करता है। तो बाकी रोटानवीर और लिपोनवीर, ये जो है प्रोटीएज इनहिबिटर है, HIV के ड्रग है ये। इंटरफेरॉन बीटा जो है ये साइटोकाइंस है ये, और ये दे आर यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इंडिया में तो अभी फिलहाल ये खुद से पढ़िए गए वाला, इंडिया में तो इसको अभी बंद नहीं कर रहे हैं, इसको प्रोफाइलेटिक्स के लिए कुछ कुछ दिखा दे कि असिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स को ये दिया जाएगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स इनको दिया जाएगा, पारामिलिट्री पुलिस पर्सनल इनको दिया जाएगा। तो ये जो है एनेक्डोटल एविडेंस पे सारे के सारे काम हो रहे हैं, मतलब सुना सुना बात पे। आगे बढ़ते हैं, नो रेंडमाइज ट्रायल्स। अच्छा, एक फेज ट्रायल चल रहा है, उसमें फेवी पीरावीर और उमी फेनोवीर, ये ग्लेनमार्क फार्मा इसका ट्रायल कर रही है। हम लोग देखे थे कि फीमेल में ये बीमारी कम हो रहा था, और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन रिपोर्ट्स चेंज हो रहे हैं बार बार। अभी जो रिपोर्ट आया है इसमें एक बात तो ये पता चला है कि ब्रेस्ट मिल्क में ये वायरस रह रहा है। तो ब्रेस्ट मिल्क में ये वायरस मिला है, ठीक, तो सार्स कोरोना वायरस कारण ही मिला हुआ है ब्रेस्ट मिल्क। तो अब बात यह है कि ये ब्रेस्ट मिल्क में जो मिला है, ये मिला है तो बच्चा ये दूध पिएगा तो इन्फेक्टेड होगा कि नहीं होगा, अभी क्लियर नहीं है।
आरएनए मिला है जरूर है, अब वो आरएनए कैसा आरएनए है, इन्फेक्शन करेगा कि नहीं करेगा, दूसरा बात कि पीने से, सांस तो नहीं लिया बच्चा, बच्चा पिया तो इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, अभी तक ये क्लियर नहीं है। बट ये एक बात तो पता चल रहा है कि ये भी मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि मदर का मिल्क में भी ये इसके आरएनए हो सकते हैं। अभी जो हम बताएं कि पहले पढ़ते प्रेग्नेंट वेमेन आर एट लोअर रिस्क, लेकिन लेकिन अभी इस रिपोर्ट में आया कि एट अ हायर रिस्क, और उसके पीछे कई सारा कारण बताया है कि वो बच्चा जब यूटरस में रहता है तो जो लंग्स होते हैं वो फुल्ली फंक्शनिंग नहीं होते हैं, मतलब वो थोड़े कंजेस्टेड टाइप के होते हैं। तो ये लंग्स में ज़्यादा असर हो सकता है। यहाँ पर लेकिन पढ़ दे कि इट कैन नॉट बी सेड फॉर सर्टेन इफ ब्रेस्ट मिल्क विथ वायरस वायरल आरएनए कैन गो ऑन टू इन्फेक्ट न्यूबॉर्न सो कंज्यूम इट। ये अभी क्लियर नहीं है, जिस तरह से हम लोग को ये क्लियर नहीं है कि जो स्टूल में जो मिलते हैं जो आरएनए जो वायरस वो इन्फेक्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन आज वो थोड़ा बहुत हम लोग क्लियर हो लेंगे इसमें। आगे देखते हैं हम लोग, ये मंकी में कुछ स्टडी हुए हैं कि मंकी में कोरोना वायरस को इन्फेक्ट कराया गया मंकी को, मकाक मंकीज, रिसेस मकाक मंकीज, तो ये वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उनको 35 डेज उनको फिर से इन्फेक्ट कराया गया, तो ये देखा गया कि एक या दो दिन में ही वो, पहले 10 दिन में ठीक हुए थे, एक दो दिन में ही वो वायरल लोड को वो ख़त्म कर दिए। तो अगर 35 डेज के बाद वो री इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि एंटीबॉडी रहता है, मतलब कि ये वैक्सीनेशन के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है कि एटलीस्ट मंकीज में कि ये थोड़ा सस्टेन कर रहा है एंटीबॉडी, ऐसा नहीं कि एंटीबॉडी गैप हो जा रहा है। तो 35 डेज के बाद उनको फिर से री एक्सपोज किए तो वो जल्दी ठीक हो गए। अगला बात यह है कि हम लोग को ये पता चला कि, अच्छा ये बात बताइए कि ये जो सार्स जिनको हो रहा है तो प्राइमरीली इनको जो हॉस्पिटल में या आईसीयू में ले जाना पड़ रहा है तो इनको क्या तकलीफ रहता है, आईसीयू में जाने का नौबत क्यों आता है? हाँ, इनका मेन जो है इनका ऑक्सीजन जो होता है बॉडी में कम हो जाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, यस। तो हम लोग बोलते हैं निमोनिया हो गया, ठीक, ऐसा टर्म यूज करते हैं कि इनको निमोनिया हो गया। तो निमोनिया हो गया है, निमोनिया में क्या होता है, जो हमारे लंग्स है इस लंग्स में जो अल्वियोली है, जो अल्वियोली है वो अल्वियोली डैमेज हो जाता है, दैट इज निमोनिया। निमोनिया में अल्वियोली डैमेज हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो होगा वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लेकिन एक नया रिसर्च है कि अल्वियोली जो है वो उस तरह से नहीं डैमेज होता है। ये नया रिसर्च आ रहा है कि लोगों का जो डेथ हो रहा है उसके पीछे हैमरेज है, मतलब कि जो लंग्स के सेल है वो सेल क्या अपनी बोल रहे हैं अभी, जो वहाँ पे ब्लड जो होता है वो ब्लड लंग्स में निकल के क्लॉट कर रहे, मतलब ब्लड क्लॉटिंग। ये एक नया रिसर्च आया हुआ है कि लोगों का डेथ निमोनिया से नहीं हो रहा, और ब्रीदिंग का जो डिफिकल्टी है वो निमोनिया उसका कारण नहीं है, इसका कारण है ब्लड क्लॉटिंग। तो ये एक नया रिसर्च आया हुआ है कि ब्लड क्लॉटिंग से लोग मर रहे हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग से मर रहे हैं अगर, तो फिर ऐसा दवा देना चाहिए जिससे कि ब्लड का थिनिंग हो, ब्लड पतला होता हो, तो उस तरह की दवा होता है, हेपारिन होता है, हेपारिन। तो हेपारिन, हीरोडिन, ये सारे के सारे वो जो जोक होते हैं ना,
जो पहाड़ों में आप जाएंगे ना, कहीं कहीं पे आप जाएंगे और अगर पैर खाली है तो आपसे जोंक चिपक जाएगा और वो धीरे धीरे करके खून चूस लेगा, वो पता भी नहीं चलेगा कि जोंक चिपक चुका है। तो ये खैर, तो रेस्पिरेटरी फेलियर है लेकिन निमोनिया नहीं है, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द लंग्स है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। कैसे पता चलता है? पता चलता है अगर किसी को थ्रोम्बोसिस हुआ है तो पता चलता है कि उसका बॉडी में, ब्लड में डी डाइमर जो होगा ये बढ़ जाएगा। ये राइटर बोल रहा है कि लोगों लोग जब पहुंचते हैं सार्स लेकर के, तो सबसे पहले डी डाइमर चेक कर लेना चाहिए। अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए दवा देना चाहिए, ब्लड थिनर एंटीकोगुलेशन। तो कैसे पता चलेगा कि इनका लंग्स में प्रॉब्लम आ गया है? तो उनका ब्रीदिंग फास्ट होगा, हम लोग 12 to 15 times सांस लेते हैं, फिर क्या होगा, इनका फिंगर्स वगैरह में ऑक्सीजन कमी हो जाएगा, पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग इसको देख लेंगे, डी डाइमर लेवल चेक करना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो हेपारिन हेरोडिन वगैरह जो होगा वो देना चाहिए ताकि ताकि इनका ब्लड क्लॉटिंग खत्म हो सके। हम लोग अभी तक ये देख रहे थे कि स्टूल में फिसेस, इसमें वायरस के आरएनए तो मिल ही रहे थे। हम लोग सीवेज वगैरह का पढ़े कि सीवेज को चेक करने से पता चल जाएगा कि ये बीमारी बढ़ने वाला है या घटने वाला है। अभी क्या हुआ है कि फिसेज से वायरस को आइसोलेट करके उसको कल्चर करा लिया गया है, कल्चर करा लिया गया है। तो कल्चर करा लिया गया है मतलब क्या प्रूफ होता है? हाँ, इसका मतलब है कि वायरस जो है वो वायबल था, सीधा सा बात है, लाइव। हम लोग लाइव वर्ड हालांकि जनरली नहीं यूज करना चाहिए वायरस के लिए, बट स्टिल इट इट वॉज पोटेंट वायरस। ठीक, ये तो अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर सकता है, यानी कि इसे इससे ही अब क्या हो रहा है, एक बात सामने में आ रहा है कि इसका ओरल फिकल रूट भी हो सकता है। ये बड़ा अजीब सा बात है कि एक वायरस को हम लोग जो स्टार्ट किए थे, वह स्टार्ट किए थे तो हम लोग ये पता चला कि इट स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक, ड्रॉपलेट यानी कोई छींका, खांसा, बात किया, बात करने से सलाइवा निकल गया तो वो इन्फेक्शन होता है। ये शुरू में ये हुआ, बाद में पता चला अरे नहीं, ये तो हवा में एरोसोल भी तैरता है, 1 घंटा भर तक तैर सकता है। तो फिर हुआ कि इट इज़ एयरबॉर्न, ये भी हो गया। अब एक नया प्रॉब्लम निकल के सामने आ रहा है कि ये तो ओरल फिकल रूट भी इसका हो सकता है, तो ये बड़ा खतरनाक मुद्दा है ये। तो ये एक डेड पेशेंट का फीसेज से उसको अलग किए और उसको कल्चर करा लिए, कंफर्मेशन ऑफ इन्फेक्शस वायरस इन फीसेज सिंपली रेजेस द पोटेंशियल फॉर फिकल ओरल और फिकल रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन थ्रू एरोसोलाइज्ड फेसेस। तो यानी कि इसका मतलब है कि सीवेज है, सीवेज में लीकेज है, कहीं से वो स्प्रिंकल जैसा निकल रहा है, तो वो एरोसोल में भी से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो शुरू में बोला गया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, हम लोग बचे बचे तब तक, फिर WHO बोले नहीं एयरबॉर्न भी है, नया समस्या। अब एक नया समस्या है ओरल फिकल, मतलब ये अब धीरे धीरे मेरे को पता चल रहा कि इतना फैल क्यों रहा है आखिरकार, क्योंकि ये तो लगभग लगभग हर रूट से इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये बड़ा खतरनाक टाइप का वायरस हुआ इस तरह से।
तो आज का सीट में इतना ही है। हम लोग लाइफ साइंसेज ख़त्म किए, अपने से पढ़िएगा, बहुत कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि हमको पता है कि आप लोग अब खुद से कर सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। ठीक है, तो प्रोबेबली किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास क्लोज करते हैं हम लोग। कल मिलते हैं 8 बजे फिर। क्लोज कर रहे हैं।